हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कैस्टल क्रेश। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग फिर से स्वागत है कैस्टल क्रेश गेम में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेटामॉर्फ को जो लेवल 6 to 7 में करके दिखाऊंगा कि लेवल 6 और 7 में उसमें क्या मतलब कि कौन सी एबिलिटी आता है, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज, उससे पहले यहाँ पर एक विक्टोरी चेस्ट है, इसे ओपन करते हैं। तो विक्टोरी चेस्ट ये रहा ओपन हो गया, तो इसमें वही जैसा मिलता पहले, कॉमन में स्केलेटन मिला एंड रेयर में पैरेट्स एंड बोनियार्ड मिला एपिक में। तो गैज, अब यहाँ पे मैजिकल चेस्ट है, तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो मैजिकल चेस्ट को भी ओपन करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो गैज, यहाँ पे मैजिकल चेस्ट ओपन हुआ, तो चांस रहता है इसमें लेगेंडरी मिलने का, बट लेगेंडरी नहीं मिला हमको। तो कोई बात नहीं, फ्रेंड आंसर मिला एंड इंजेंटर रेयर कार्ड। तो गैज, यहाँ पे ये देखो मेरा मेटामॉर्फ जो है, हमको मल्टीप्लाई 4 चाहिए, तो 4 मिल गया। तो गैज, यहाँ पर से मेटामॉर्फ हमको मिल गया एंड अब स्टोर में आते हैं फ्रेंड्स एंड स्टोर में देखते हैं स्टोर में कोई चेस्ट है, शायद एपिक चेस्ट मिल जाए। तो स्टोर में यहाँ पे तो ये रहा फ्रेंड्स, हाँ एपिक चेस्ट है अभी हमको, जिसमें कि 7000 क्वाइंस मेरे खर्च होंगे तो एपिक चेस्ट हमको ओपन करने में। तो गैज, मैं आपको बताता हूँ यार, आप लोग भी जब जब एपिक चेस्ट आए यार, एपिक चेस्ट को हमेशा ओपन करो। तो यार, एपिक चेस्ट को ओपन करने पर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि यार एपिक कार्ड आपको आप हर दिन अगर स्टोर से बाय करोगे तो 1200 और एपिक जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए एपिक चेस्ट आता है। गाइज, 7000 क्वाइंस अपना मतलब अवेलेबल करके रखो, तो एपिक चेस्ट हमेशा ओपन करो। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, हम एपिक चेस्ट ओपन कर दिए एंड वो चलो फ्रेंड्स, बढ़िया डिमोन मेरा हो गया। तो ये भी अब लेवल 6, वो नाइस, बढ़िया बढ़िया हमको जितना टोटल बढ़िया कार्ड हमको मिला, तो मल्टीप्लाई 4 तो बढ़िया है। तो एपिक चेस्ट यार ओपन किया करो हमेशा। तो गाइज, अब यहाँ से हम आपको मेटामॉर्फ को जो उसको जो अभी मेरा यहाँ लेवल 6 उसको 4 की, तो 20000 क्वाइंस से अब हम इसको अपग्रेड करते हैं। तो फाइनली ये रहा अपग्रेड, मेरा लेवल 6 ऐसे हो गया एंड 4G इसका यूज होगा। तो लेवल 6 में तो +61+1+1+1 टोटल कॉपीड लेगेंडरी इपिक एंड यहाँ से देखो फ्रेंड्स, मेरा लेवल 7 +67 हेल्थ +1, मतलब अगर फ्रेंड्स मानो अगर मेरा स्टॉर्म लेवल 3 का है तो लेवल 4 स्टॉर्म सॉरी लेवल 3 का है, तो अगर हम मेटामॉर्फ यूज करते हैं तो गाइज ये मेरा स्टॉर्म लेवल 3 का लेवल 4 में बना देगा, अगर हम 4G भी यूज किए। अगर 4G नहीं यूज किए हैं तो हम लेवल 3 में होगा एंड अगर 4G यूज किए हैं तो गाइज मेरा स्टॉर्म या फोनिक्स जो भी कार्ड मेरा लेवल 3 का है वो लेवल 4 में हो जाएगा। तो अभी मेरा लेवल 7 है क्योंकि इसमें हम 4G यूज किए हैं। तो गाइज, यहाँ पे और एक मैच खेलते हैं जो कि दिखाते हैं इसमें जो है ये मैच में अभी क्या होता है। यहाँ पे मैच स्टार्ट कर दिए एंड मैच में देखते हैं न्यू मेटामॉर्फ जो कि मेरा अभी लेवल 7 है इसका कैसा होता है अटैक। तो हेलो, तो यहाँ पे गाइज मैच स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा फैन डांसर अभी लेवल 12 का है, हम सोच रहे थे फैन डांसर को ही लेवल मतलब इसको अपग्रेड करें, 50000 में अपग्रेड करेंगे ये, तो अभी 4 देखेंगे मेरा लेवल 12 में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे अगर टाइम में फैन डांसर को हम सोचेंगे, क्योंकि मेटामॉर्फ यार हम ज़्यादा यूज करते थे, तो सोचे पहले मेटामॉर्फ कोई अपग्रेड कर लेते, 20000 कॉइन मेरे पास था एंड एपिक चेस्ट भी ओपन कर ले। तो आगे के टाइम में मैं फ्रेंड्स ज़रूर कोशिश करूँगा एंड मैजिक क्रिस्टल्स का कितना दिन हो गया मैजिक क्रिस्टल्स का यूज़ नहीं किया, तो कम से कम हमको फैन डांसर को लेवल 13 करना होगा, तब भी हम इसका यूज कर पाएंगे मैजिक क्रिस्टल्स का इसमें। तो गाइज, यहाँ पे जो है होलो नाइट्स मेरा लेवल 13 है एंड यहाँ पे मेटामॉर्फ आ गया, ये देखो मेटामॉर्फ देखते हैं यहाँ पे हम दिए एंड देखते हैं मेटामॉर्फ किसका कॉपी किया वो फ्रेंड्स। तो मेटामॉर्फ देखो होलो नाइट्स लेवल 4, मैं आपको बोला तो मेरा लेवल 3 था होलो नाइट, तो लेवल 4 हो गया ये लगभग ये आपका हो गया, जो कि बहुत ही ऊपर के हाई जो प्लेयर है उसका भी लेवल 4 होता है, लेवल 5 होता है, तो मेरा भी लेवल 4 जो है मेटामॉर्फ लेवल 4 कर दिया। तो गाइज, मेरे लिए मेटामॉर्फ सही है क्योंकि मेटामॉर्फ हमको जो है हाई लेवल का कार्ड हमको मतलब अपग्रेड करके दे रहा है मेटामॉर्फ कॉपी 2 एंड गाइज यहाँ पे देखो फिर मेटामॉर्फ का भी कॉपी करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे देखना अच्छा से, ये देखो मेटामॉर्फ सेम टू सेम डार्क एंजल बन जाएगा। तो ये देखो फिर से लेवल 4 का डार्क एंजल वर्सेस डार्क एंजल, तो देखो गाइज लेवल 4 वर्सेस लेवल 4 डार्क एंजल डाई हो गया जो सबसे लास्ट लेन का था। तो गाइज, क्या बेटर यार मेटामॉर्फ का, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है मेटामॉर्फ से खेलना। तो गाइज, आप लोग भी अगर स्कूल डेक खेलते हो या और भी कोई डेक खेलते हो तो मेटामॉर्फ से भी ट्राई कर लो, क्योंकि मेटामॉर्फ यार बहुत है एंड कितना तो मेटामॉर्फ खेल के ये टूर्नामेंट भी बहुत जीते हैं यार, मेटामॉर्फ यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाइज, आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो बैटल यार बहुत ही मस्त हुआ एंड आई लाइक दिस बैटल। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत ही लाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करना। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू ऑलवेज बी हैप्पी फ्रेंड्स।